गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम डेफिनेटली कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको सिखा रहे हैं, संभवतः आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरह से सीख रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, इंटीग्रेशन एक्स पावर फाइव माइनस एक्स पावर वन बाई फाइव अपॉन एक्स पावर सिक्स डीएक्स। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग इट्स कॉमन एक्स पावर फाइव, इसमें से एक्स पावर फाइव कॉमन ले लीजिए क्योंकि पावर कॉमन आता है, ध्यान रखना। यहां रहेगा वन और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स फोर अपॉन एक्स पावर सिक्स डी एक्स। ये इस फाइव से फाइव कैंसिल, एक्स से एक्स की पावर सिक्स कैंसिल, ये जो बनेगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा वन माइनस एक्स पावर माइनस फोर वन बाई फाइव इंटू ये बचेगा एक्स पावर फाइव ऊपर जाएगा तो एक्स पावर फाइव माइनस। ओके, एक बार रिपीट, एक्स पावर फाइव कॉमन ले तो पावर बाहर आए, फाइव कैंसिल, एक्स एक्स पावर सिक्स एक्स फाइव फाइव रहेगा ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस फाइव और ये बन जाएगा दिस। और इस पूरे को ठीक पुट कर आता हूं, पुट वन माइनस एक्स पावर माइनस फोर इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा फोर एक्स पावर माइनस फाइव डी एक्स टू डी टी, तो इसकी जगह पे तो डी टी अपॉन फोर वन बाई फोर तो बाहर आ जाएगा टी पावर वन बाई फाइव डी टी। समझे ना समझे पर इसका इंटीग्रेशन तो आप भी जानते हैं, टी पावर वन बाई फाइव प्लस वन upon 1 by 5 plus, plus c to put the value of clear put value of अच्छा और देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन sin पावर 8x माइनस cos पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फैक्टर बनाए, इंटीग्रेशन किसे क्या लिख सकते हैं, साइन पावर फोर एक्स स्क्वायर कोस पावर फोर एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर, और ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन, बेटा ये जो वन लिखा है ना इसको भी साइन कोस में लिख लें तो इसे क्या लिख सकते हैं, वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और आगे अरेंज कराने के लिए हम इस पर स्क्वायर लगा दें क्योंकि ये तो वन हो गया और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी वो वन ही रहेगा, स्क्वायर क्यों लगाया साहब, क्योंकि जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो टू ए बी आएगा, टू ए बी का मतलब ये वाला हिस्सा है, इसलिए क्लियर माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन इसके भी फैक्टर कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन पावर फोर एक्स कोस पावर फोर एक्स अपॉन, इसका स्क्वायर खोले, स्क्वायर खोलोगे क्या बनेगा, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, और ये हिस्सा कैसे, टू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर इससे ये कैंसिल और इस वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा भी कैंसिल, इससे ये कैंसिल ये रिमेनिंग इससे ये कैंसिल और इसकी वैल्यू कितनी होती है वन, इसमें से माइनस कॉमन ले लें ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू वन डी एक्स और ये आपका फॉर्मूला कोस टू एक्स और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस।
दोनों आपके अच्छे क्वेश्चन है। देख लो ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन a माइनस एक्स ए प्लस एक्स डी एक्स क्या करा दीजिए, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दीजिए, a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई a माइनस एक्स से डिवाइड। ओके ऊपर तो a माइनस एक्स बन गया और नीचे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बन जाएगा। क्लियर, सेपरेशन करा दो, a तो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसे सॉल्व कराने के लिए पुट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी टू से टू कैंसिल, तो ए वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स की जगह माइनस टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर की जगह टी से भी कैंसिल। और यह इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साइन इनवर्स x upon a minus minus plus t plus c, तो a sin inverse x upon a को t की वैल्यू यहां से a square x square plus c। ओके एक और देखिए नंबर फोर्थ, इंटीग्रेशन sin x minus a साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस ए, तो इसके लिए क्या करें, पुट एक्स प्लस ए इक्वल टू टी, एक्स इक्वल टू टी माइनस ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेशन साइन टी माइनस टू ए अपॉन साइन टी डी। ओके साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी, सेपरेशन के बाद में जो कैंसिल हो गया कॉस टू ए कॉस अपॉन साइन कॉट टी इनटू साइन ए। ओके देन डिफरेंशिएट, cos 2a तो कांस्टेंट है बेटा इनटू इसके साथ में माने सब्ट्रैक्ट t, sin 2a तो कांस्टेंट है इनटू cot t का log sin t plus c, cos 2a और t की वैल्यू x plus a sin 2a log sin x plus a plus c, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा x cos 2a a cos 2a minus sin 2a log sin x plus 2a plus c, तो एक आंसर और लिख सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट का सम भी कांस्टेंट होगा, तो इस कांस्टेंट को रिमूव किया जा सकता है, तो x cos 2a minus sin 2a log sin x plus 2a plus तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पेपर में आने लायक होते हैं। ओके।